ब्राह्मण वाली बात जो अभी हुई थी, मैंने उसमें बीच में आपको एक जगह टोका भी था भाषा को लेकर, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक जो बहुत बड़ा विवाद हुआ था ट्विटर पर, चंद्रशेखर आजाद, मैं जने उधारी पर, आपने उसके बाद सफाई भी दी और सफाई का शायद मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया, आई एम सॉरी, आपने आके अपना पॉइंट वहां पे क्लियर किया, आपने अपनी बात बताई कि आपने जो किया आपने क्यों किया, वो बेशक आपका व्यू है, लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया कि मूल सवाल फिर भी रह गया कि जनेऊ का जिक्र आना ज़रूरी क्यों हुआ। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ। मेरा ओपिनियन सिर्फ ये है, और ये बहुत नितांत मेरा ओपिनियन है, इसमें ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अब हम धीरे धीरे दाखिल हो रहे हैं कि हम पूरा दिन और पूरी रात इस पर बात कर सकते हैं, कई एपिसोड बन सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 3-4 लाइनों में ख़त्म करूँगा कि मैं उस तरह के सेकुलरिज्म में बिलीव नहीं करता जहाँ के मैं जब तक अपने पिता को और अपनी माता को मैं कोठरी में ना बंद कर दूं और आपकी पिता के आपकी माँ के पैर न छू लूं तब तक मैं सेकुलर नहीं हुआ। मेरा हमेशा ये मानना है कि मैं जो पैदा हुआ हूँ जिस कल्चर में जिस संस्कार में, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट बॉर्न टू पेरेंट्स, वी आर बॉर्न टू अ मदरलैंड, वी आर बॉर्न टू अ कल्चर, वी आर बॉर्न टू अ हेरिटेज, वी आर बॉर्न टू अ लेगेसी, वो सब मेरा अपना है। तो वो जो निजत्व है ना मेरा, उस पर मुझे गर्व है। अगर मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूँ और मेरे जीने के कुछ तौर तरीके हैं तो उस पर मुझे गर्व है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी और धर्म संप्रदाय में पैदा हुई हैं तो उसको भी आप सलामत रखें। ऐसा नहीं है कि जब तक मैं अपने आप को मिटा ना दूं और आप अपने आप को मिटा ना दें तब तक हम गले नहीं मिल सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम हम ही तो कहते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये सेकुलर होने की शर्त क्यों है कि मैं पहले शुक्ला होना छोड़ दूं, पहले मैं जनेऊ उतार दूं, पहले मैं एक खास तरह का दिखना छोड़ दूं? वो मेरा कल्चर है, दैट्स द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं छोड़ना, और आप भी मत छोड़िए और कोई ना छोड़े। इसके बावजूद मज़ा तो यही है ना कि जब हम साथ बैठे तो एक ही टेबल पे लड्डू भी रखे हों, खीर भी रखी हो, सिवैयाँ भी रखी हों, ये मज़ा है। पर आपको नहीं लगता कि ये भी कहना एक बड़े प्रिविलेज के पॉइंट से आता है कि आई एम प्राउड ऑफ माई बर्थ, ये भी एक एक कास्ट प्रिविलेज के पॉइंट से आता है? प्रिविलेज के पॉइंट से आता है, एग्जिस्टेंशियल प्रिविलेज के पॉइंट से आता है, कास्ट प्रिविलेज से नहीं आता। एग्जिस्टेंस में तो बिलीव करते हैं ना हम, तो ये एग्जिस्टेंशियल प्रिविलेज है, और एग्जिस्टेंशियल प्रिविलेज का मतलब ये भी है कि आप जिस भी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ कि अपने नाम के आगे पासी लगाते हैं, जो कि एक कौम है जिसको हमने बहुत दिनों तक दलित बना के रखा और उनकी तरफ देखा नहीं पलट के, वो गर्व से लगाते हैं अपने नाम के आगे पासी। आई फील प्राउड ऑफ दोज पीपल। आप उसको कैरी करें, जो भी आपकी पहचान है, जो आपकी व्यक्तिगत और आपकी वास्तविक पहचान है, जो मूल पहचान है, आप जैसे पैदा हुए थे, उससे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप अपने साथ हमेशा रखें। और इसका मतलब ये, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं से कुछ खास तुर्रम खां हो गया, अब तो बाकी सब छोटे हो गए मेरे आगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं अपने आप को मिटा के आपका कैसे हो सकता हूं? मैं खुद भी तो बाकी रहूं पहले। ये कौन से सेकुलरिज्म की शर्त है कि पहले तुम मिट जाओ, तुम खत्म हो जाओ, तुम शून्य हो जाओ, तुम जीरो हो जाओ, तुम्हारा अस्तित्व तो खत्म हो जाए, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाए, अब तुम सेकुलर हो? ऐसा सेकुलरिज्म बहुत घातक है इस देश के लिए, और हमने बरसों से देखा है कि इस तरह के सेकुलरिज्म ने हमारा क्या हाल किया है। अब ना हो तो अच्छा है। आप लोगों को भी सवाल पूछने का मौका दिया जाए। आपने जो बोला, ये फटाफट जो आपकी ये पंक्तियां थी, ये आप ही पढ़ें। बदतमीजी नहीं तो ये क्या है जो जुबानों के साथ करते? बदतमीजी नहीं तो फिर क्या है जो जुबानों के साथ करते हो? हिंदी हिंदू है, उर्दू मुस्लिम है, जाहिलों जैसी बात करते हो। और ये कमाल है, ये कमाल है कि हम एक ऐसे कंपोजिट कल्चर में सांस लेते हैं जहाँ कम से कम जबानों का प्योर होना ज़रूरी नहीं है। इस पे मुझे हमेशा एक तनकीद की जाती है कि भाई ये आदमी गलत बात बोल रहा है, पर मैं सच कह रहा हूँ आपको कि जबान का जो पूरा का पूरा, एक आप बाइक खरीदते हैं, उसका पहला काम क्या है? उसका पहला काम है आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना। उसके बाद आप उसका कुछ भी करें, आप उस पर स्टंट दिखाएं, आप जो मन में आए करें, ट्रैक्टर से भी स्टंट दिखाए जाते हैं, आप कुछ भी करें उस बाइक के साथ, लेकिन पहला काम ये कि यहां से यहां तक ले जाए। वैसे जुबान का जो बेसिक काम है वो क्या है? जुबान का बेसिक काम है संप्रेषणीयता, कम्युनिकेशन। अगर जुबान कम्युनिकेट कर रही है तो वो अच्छी जुबान है,
और अगर ज़बान कम्युनिकेट नहीं कर रही है तो फिर मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप बोलें, वो साहिर ने लिखा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आप बड़े प्योरिस्ट हो जाएं कि हिंदी में लिखेंगे, यदा कदा मेरे मन में विचार आता है। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे, यदा कदा वाले तो आप हैं नहीं, उसकी भी ब्यूटी है। आप, मैं हज़ार बार कह चुका हूँ कि आप चाय मांगने के लिए शुद्ध हिंदी में तो नहीं मांगेंगे कि एक मृतिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त उष्ण पेय प्रदान किया जाए। आप चाय मांगने के लिए एकदम खालिस अरबी में तो नहीं मांगेंगे, उर्दू में तो नहीं मांगेंगे कि एक लबरेज तपेश प्याला या बरगे बर्तानिया पेश किया जाए। आपको चाय चाहिए, आपको कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है गाना है, चिल मौज करिए, अच्छी भाषा है।